नेक्स्ट पार्ट है वो है लैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड साइट सीइंग। लैंड ट्रांसपोर्टेशन से हमारा मतलब है कि जब भी आप किसी जगह पे घूमने जा रहे हो, छुट्टियां बिताने जा रहे हो, वहाँ पे कितने तरह की ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल सकती है। तो आप किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी में जाते हो तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप वहाँ पे टैक्सी यूज़ कर सकते हो। कुछ कंट्रीज़ में टैक्सी ऊबर ओला की तरह हैं या ग्रैब की तरह हैं, जिसकी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसको यूज़ करो, जो कि काफ़ी सेफ रहता है। साथ में आपको कई बार होटल अपनी तरफ से गाड़ी प्रोवाइड करवा सकता है। अगर आप कहीं जाना है तो आप होटल को बोल सकते हो, वो आपके लिए गाड़ी प्रोवाइड करवा देगा। देन आप ट्रैवल कंपनी से भी गाड़ी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको किसी सिटी में जाना है और आपको अपनी एक पर्सनल गाड़ी ड्राइवर के साथ चाहिए, तो आप ट्रैवल कंपनी को अगर बोलोगे तो वो एक गाड़ी और ड्राइवर वहाँ पे अरेंज कर देगा, जो कि सिर्फ आपके लिए होगा। नॉर्मली होटल भी ये चीज़ कर देता है, लेकिन अगर आप ट्रैवल कंपनी से करोगे तो कंपैरेटिवली प्राइस कम मिलता है आपको। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन चाहिए लोकली। देन आपको कहीं घूमने जाना है तो आप मेट्रो ट्रेन पास, जिसके थ्रू आप पूरे शहर में घूम सकते हो। ये भी एक अच्छा कन्वीनियंट भी है, क्योंकि शहर के जो इतने भी मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स होते हैं या मेन एरियाज हैं, वहाँ पे मेट्रो को कनेक्टेड किया होता है गवर्नमेंट ने, तो आप वो मेट्रो यूज़ कर सकते हो। देन आपका नॉर्मल ट्रेन का सफ़र, ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मेजरली आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो आप ट्रेन यूज़ कर सकते हो। अब ये ट्रेन का जो बुकिंग है, ये आप खुद भी कर सकते हो, वहाँ जाके अपने ट्रैवल एजेंट्स को भी बोल सकते हो, या ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप ऑनलाइन या पहले से एडवांस में ट्रेन की बुकिंग करके जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता ट्रेन बुकिंग करवाना या लाइन में खड़े होकर ट्रेन का टिकट लेना वहाँ पे। तो एडवांस में चाहे वो आप ऑनलाइन करवाओ या फिर आप अपने ट्रैवल एजेंट को एज़ पर जो आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंगली बोलो, वो आपको बुकिंग करके देगा। देन आपके पास ट्रांसपोर्टेशन में है लोकल सी रूट या फिर लोकल रिवर रूट या फिर लोकल जो बोट्स चलती हैं उसके थ्रू। कई बार एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए आपको बोट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बोट बुकिंग कर सकते हो। अगेन ये बुकिंग आप एडवांस में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बिल्कुल ही छोटा डिस्टेंस है, सपोज आप एक ही सिटी में रह रहे हो तो एक एरिया से दूसरे एरिया जाने के लिए आपको बोट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ पर ऑन द स्पॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये रेगुलर्स होती हैं और आराम से इसकी बुकिंग मिल जाती है, टिकट्स मिल जाती हैं। देन आपके पास है ऑप्शन बस बुक करने की। तो बहुत सारी सिटीज़ में आप बस के थ्रू सफ़र कर सकते हो। कुछ कंपनीज ने या कुछ कंट्रीज़ ने हर एक सिटी में अपने स्पेशल टूरिस्ट बस लगा रखी होती हैं। फॉर एग्जांपल उसको कुछ कंट्रीज़ में बोलते हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। तो ये मैं आपको अभी एक पिक्चर में भी दिखाऊंगा ये कैसे दिखती है। हॉप ऑन हॉप ऑफ का सिंपल मतलब है शहर का मेजर अट्रैक्शंस कवर करती हैं, मेजर एरियाज कवर करती हैं, तो आप इसका एक बार पास बाय कर लेते हो, तो आप जितनी बार उस बस में मर्जी चढ़ो उतरो, जहां मर्जी, मतलब उसका बस का एक फिक्स रूट है, उसने उसी रूट पर चलते जाना है, वो सारा दिन उस रूट पर राउंड राउंड बस वो घूमती रहती है। तो आप कहीं से भी उतरो, कहीं से भी चढ़ो, तो आपकी इच्छा। अगेन ये पास आपको आपका ट्रैवल एजेंट बुक करके दे सकता है या फिर आप लोकली वहाँ से बाय कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा एक वे आउट है लोकल अट्रैक्शन घूमने के लिए, और ये ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सस्ती पड़ती है। देन आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए है क्रूज़ शिप। क्रूज शिप एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए है। इसमें आप कंट्री टू कंट्री या सिटी टू सिटी ही बुक होता है क्रूज शिप। इसके अलावा आपके पास है कई बार लोकल सिटी को घूमने के लिए नॉर्मल बाइक, जो हम यूज़ करते हैं बाइसाइकिल, वो आप रेंट कर सकते हो। तो ये काफ़ी यूरोपियन कंट्री में या एशियन कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो कि सारा शहर खुद देखना, खुद घूमना और उसको आराम से घूमना चाहते हो, और बहुत ही सस्ता और कन्वीनियंट वे है बाईसाइकिल पे घूमना,
देन कुछ कंट्रीज में, कुछ सिटीज में आपको ऑप्शन मिलती है बाइक या कार रेंटल भी। तो अगेन ये बाइक एंड कार रेंटल थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है, बट ये आपको पूरा फ्रीडम देता है घूमने के लिए। सपोज आपने एक बाइक रेंट की, आपके पास मैप है शहर का, तो आप बाइक के थ्रू उसको सारा, या कार के थ्रू आपको सारा घूम सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप बाइक या कार रेंट करते हो तो ज़्यादातर कंट्रीज में आपको अपना क्रेडिट कार्ड देना पड़ेगा एज ए गारंटी। क्यों? क्योंकि कार रेंटल, बाइक रेंटल एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तो आपको एज ए गारंटी आपका कार्ड देंगे, तभी वो आपको इसको रेंट करने के लिए देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको ध्यान रखनी है ट्रांसपोर्टेशन बुक।